अम्मी मैं आपके लिए सूप बना कर लाई। बेटा दिल नहीं चाह रहा मेरा, थोड़ा सा पी ले, सूप पियेंगे तो ताकत आएगी। कहा ना मैंने, रख दो। आपको देखती हूँ तो मुझे अपनी अम्मी की याद आ जाती है। मैं जब भी बीमार पड़ती थी वो मुझे जबरदस्ती उठाकर सूप पिलाया करती थी। माएं बहुत प्यारी होती हैं और माँ और बेटी का रिश्ता उससे भी ज्यादा प्यारा। माएं जितना भी डांटें, जितना भी नाराज हो जाएं अपने बच्चों से, अपनी ममता की खातिर हमेशा मजबूर हो जाती हैं। साइम और सोफिया के लिए जितना आपके दिल में प्यार है, उतना ही प्यार मैंने अपनी बेटी के लिए आपके दिल में देखा है। और ये और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। बेटा मुझे माफ कर दो, मेरा बिहेवियर तुम्हारे साथ ऐसा तो नहीं था कि मेरा कोई हक बनता है कि मैं तुम्हारे हाथ से कुछ खाऊं, कुछ भी। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों को माफ कर देते, इस तरह औलाद का भी फर्ज बनता है कि अगर जाने अनजाने में माँ बाप से कोई गलती हो गई हो तो उसे दरगुजर कर दें। और फिर मैंने तो आपको पहले दिन से ही अपनी माँ मान लिया था। आपका गुस्सा जायज था। माफ कर दो बेटा मुझे, आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें समझने में गलती हुई। अब एहसास हो रहा है मुझे इस बात का कि मेरी साइन की चॉइस गलत नहीं थी। साइम इधर आ मेरे पास। तुम दोनों मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हो। दिल का क्या करें, बुध रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।